तो दोस्तों ठीक हो ना आप सब। जो फीचर पहले 1.5 लाख वाले स्मार्टफोन में, 1 लाख वाले स्मार्टफोन में, 50 हज़ार वाले स्मार्टफोन में आता था, अब वो फीचर आप लोगों को 10 हज़ार से कम प्राइस वाले स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ IP69 की। रियलमी अपना एक नया स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च करने वाला है, एक नहीं दो स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है, मतलब एक ही स्मार्टफोन होगा, रीब्रांड करके दो नाम से लॉन्च किया जाएगा। पहला नाम तो होने वाला है Realme C75, दूसरा नाम होने वाला है Realme Narzo N75। तो ये दो नाम से एक ही मोबाइल को लॉन्च किया जाएगा। इस मोबाइल का जो खास फीचर्स रहने वाला है वो होने वाला है IP69 का, मतलब पानी में डुबाओ, कहीं भी डुबाओ, कुछ जल्दी नहीं होगा, मतलब ख़राब होने का चांस बहुत कम है। तो ये स्मार्टफोन कब लॉन्च होने वाला है, क्या कुछ फीचर्स वगैरह आप लोगों को देखने को मिलेंगे, सारा कुछ आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना और एक लाइक कर देना ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो इस स्मार्टफोन में आप लोगों को 6.67 इंच का IPS FHD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा और इसमें आप लोगों को 6000 mAh का बैटरी मिलेगा। 45 वोल्ट का फास्ट चार्जर होने वाला है, फास्ट नहीं बोल सकते हैं, मतलब सुपर सोनिक इसको रियलमी ने नाम दिया है। तो 45 वोल्ट का आप लोगों को चार्जर देखने को मिल जाता है। पीछे के साइड में आप लोगों को 50 MP का कैमरा वगैरह देखने को मिलेगा और आप पूरा डिज़ाइन देख सकते हो स्मार्टफोन का, मतलब पीछे के साइड से सैमसंग का स्मार्टफोन जिस तरह होता है उस डिज़ाइन का ये स्मार्टफोन है। और ये स्मार्टफोन आप लोगों को बॉक्सी डिज़ाइन के साथ देखने को मिल जाता है। 8 MP का आप लोगों को फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है और IP69 जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया तो वो भी आप लोगों को देखने को मिलता है। तो पानी में डुबाओगे या फिर इधर उधर तो जल्दी ये स्मार्टफोन कुछ नहीं होने वाला है। अगर बात करें चिपसेट की यानी कि प्रोसेसर की, तो इस स्मार्टफोन में आप लोगों को MediaTek Helio G92 Max का चिपसेट देखने को मिल जाएगा। ये एक 4G चिपसेट है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होगा तो 4G प्रोसेसर के साथ लॉन्च होगा, क्योंकि ये स्मार्टफोन अभी चाइना में इधर उधर दूसरे देशों में लॉन्च हो रहा है। ये स्मार्टफोन इंडिया में आएगा दिसंबर के टाइम में और जब ये स्मार्टफोन आएगा तब इसमें आप लोगों को कोई दूसरा चिपसेट देखने को मिल सकता है जो कि 5G चिपसेट हो सकता है। ये स्मार्टफोन मुझे नहीं लगता कि 4G चिपसेट के साथ इंडिया में लॉन्च होगा, क्योंकि अब इंडिया में ज़्यादातर लोग स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो 5G स्मार्टफोन ही लेना चाहते हैं। तो मुझे नहीं लगता, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होगा तो 5G चिपसेट के साथ आ सकता है, लेकिन अभी ये बाहर में दूसरे देशों में लॉन्च हो रहा है, वहाँ पर आप लोगों को MediaTek Helio G92 Max का चिपसेट देखने को मिल जाएगा जो एक 4G चिपसेट है। अगर बात करें प्राइस की, तो इस स्मार्टफोन का प्राइस आप लोगों को 15,000 से नीचे देखने को मिल जाएगा इंडिया में, मतलब ये जब आएगा ना तब चिपसेट चेंज होकर के आएगा मुझे ऐसा लगता है, और तभी इसका प्राइस आप लोगों को 15,000 से नीचे देखने को मिल जाएगा। अगर इसी चिपसेट के साथ आता है तो ये स्मार्टफोन आप लोगों को 12,000 से नीचे देखने को मिल जाएगा। अगर लॉन्च डेट की बात करें तो ये स्मार्टफोन दिसंबर के टाइम में इंडिया में लॉन्च हो सकता है। तो इस स्मार्टफोन से रिलेटेड कुछ भी और पता चलता है तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। इसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।